मुझे बराबर स्मरण है, परम पूज्य गुरु जी का स्वर्गवास हुआ रात को 9:05 पे। परम पूज्य गुरु जी ने अपना देह छोड़ा। बाद में मुंडिया को सूचना करनी थी और रात को, आज समय बदल चुका है, आज तो रात को 11 बजे खबर दो तो भी खबर पहुंच जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हुई है। अब उस समय 9 बजे हुआ तो ये आवश्यक था कि भी जल्दी से जल्दी मीडिया को जानकारी दी जाए आगे का अंत्येष्टि कब होगी, कैसे रहेगा सारा। तो उस समय एकनाथ जी नागपुर में मौजूद थे, पूज्य गुरु जी ने जब अपना देह छोड़ा तो उनको कहा गया कि एकनाथ जी जरा ड्राफ्ट बनाइए। अब आप कल्पना कर सकते हैं गुरु जी के प्रति एकनाथ जी की श्रद्धा, उनका समर्पण भाव, समय की पाबंदी, देश और दुनिया को बताना है कि वैसा हुआ है। अब ड्राफ्टिंग करने के लिए बैठे, 5-6 लाइन, उस समय तो कंप्यूटर था नहीं, टाइपराइटर करे तो भी वो बात बनती नहीं थी, उनके अक्षर बहुत छोटे और बहुत अच्छे अक्षर, हैंडराइटिंग थे उनके, लिखते थे 3-4 लाइन लिखते थे, फिर उनको लगता था ठीक नहीं तो कागज़ फेंक देते थे, फिर 5-7 लाइन पर पहुँचते थे, फिर कोई अच्छा नहीं था कागज़, करीब 8-10 कागज परफेक्शन नहीं आने के कारण। और उधर सब परेशान थे, एकनाथ जी वो मीडिया में देर हो रही है जल्दी कीजिए। खैर एकनाथ जी का परफेक्शन का नेचर इतना हावी था कि वो नहीं कर पाए। और मुझे याद है आबाजी थत्ते ने उनसे वो कागज छीन लिया और उन्होंने कहा आपने जो किया है वो परफेक्ट ही है, मैं भेज देता हूँ, और उन्होंने भेज दिया।